आखिर बार बार महिला नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों होती है? क्यों आधी आबादी को लेकर जुबान बेलगाम हो जाती है? हर बार चुनाव में ये सवाल उठता है और हंगामा होता है, लेकिन बोल नहीं बदलते। इस बार भी मुंबई में दिग्गज नेता अरविंद सावंत ने ऐसा बयान दे दिया कि भयंकर घमासान छुड़ गया है। सुनिए। हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई, और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। उद्धव ठाकरे के सांसद अरविंद सावंत का यही वो बयान है जिस पर महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। उन पर आरोप लगा है कि महिला अस्मिता को ठेस उन्होंने पहुंचाई है और शायना एनसी पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके खिलाफ उन्होंने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने दहाड़ लगाई और फिर सावंत को सरल शब्दों में महिला सम्मान जज्बात की पूरी कहानी समझा। ये जो आइटम और ऑब्जेक्टिफिकेशन है महिलाओं का, मुझे लगता है ये ना सिर्फ उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है, सोच विचार, लेकिन वहाँ उपस्थित थे कांग्रेस के एमएलए अमीन पटेल, जो हंस रहे हैं ये कमेंट के ऊपर। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपको अभी कानूनी तौर पे हम कार्रवाई पुलिस स्टेशन पे जाके, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पे आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और अंत में जरूर कहूंगी कि माँ मुंबा देवी का तो खौफ रखिए, क्योंकि जब आप माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी विकृत मानसिकता तो स्पष्ट है। उद्धव गुट के सीनियर नेता अरविंद सावंत के बयान के खिलाफ मोर्चा खुल गया। महायुति की महिला नेताओं ने सावंत पर सख्त एक्शन की मांग की है और मुंबई रीजन में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे हैं। उनको माफी मांगनी ही चाहिए, अब माफी तो देने के भी लायक नहीं है वो। अरविंद सावंत माफी मांगनी ही चाहिए, भी महिला के लिए ऐसा गंदा यूज करेगा वर्ड कि माल, क्या शब्द है ये माल, ये कोई अच्छा है क्या लेडीज के लिए? माफी मांगनी चाहिए, मेन बात इनके माँ बहन से, माँ से ऐसा बात करते ये। वहीं शायना एनसी ने विवादित बोल के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, यानी बात निकली है तो अब बहुत दूर तक जाएगी। उधर विवादित बोल पर घिरे अरविंद सावंत तब सफाई दे रहे हैं कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। पहले बयान तो देखो, बयान में मैंने उनका नाम भी नहीं लिया है, पहली बात। दूसरी बात है कि वहां हमारे कैंडिडेट खड़े है, जो हमारे महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट, हमने बोला बाहर का कैंडिडेट नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेंट माल नहीं चलेगा, तो फिर इसमें तुम्हें क्या लगने वाला है? क्या बात है बताओ, कौन सा शब्द गलत है? ठाकरे सेना के कोई लीडर ने, कोई एमपी ने अगर इस तरीके से गंदी बात शान्या एनसी जी के बारे में किया रहेगा तो फिर ये उनका बैकग्राउंड और कैरेक्टर दिखाता है, और पूरा का पूरा ठाकरे सेना इसी तरीके शक्ति कपूरों से ही भरा है, उसमें कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है। देखो, मुझे लगता है कि महिलाएं ये सब देख रही है, लोग, महाराष्ट्र की जनता ये सब देख रही है कि किस लेवल का राजनीति का माहौल या शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले इस इलेक्शन में महाराष्ट्र की जनता इनको जवाब देगी। अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे की पार्टी के कद्दावर नेता हैं, मुंबई साउथ लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। 36 विधानसभा सीट वाले मुंबई रीजन में कई सीटों पर उनका प्रभाव है, लेकिन महिला नेता पर उनकी ऐसी जुबान खुली कि वहाँ विकास आघाड़ी के नेताओं को भी जवाब देते नहीं बन रहा। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई, और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। आपको बता दें कि मुंबई रीजन में बीजेपी की धाकड़ नेता शायना एनसी इस बार शिंदे की सेना में शामिल हो गई हैं, और मुंबई की चर्चित मुंबा देवी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने महाविकास आघाड़ी ने कांग्रेस के सिटिंग विधायक अमीन पटेल को संयुक्त प्रत्याशी बनाया है। मुकाबला कांटे का है, और इसी नूरा कुश्ती में उद्धव के सांसद ने विवादित बयान दे दिया है। महिला सम्मान पर ये कैसी जुबान? शायना एनसी पहली महिला नेता नहीं है जिन्हें अपमान का घूंट पीना पड़ा।
इससे पहले झारखंड में सोरेन परिवार की बड़ी बहू और बीजेपी नेता सीता सोरेन पर भी इस तरह की टिप्पणी की गई। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी का एक वीडियो शेयर हुआ था जिसमें उन्होंने सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कहा था। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो साथी से जी जाता है उसको हाईजेक कर लेती है, तो इसे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूँ उनको मैं कहूँगा, यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए। जैसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मजा आता है। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया, हमको तो समझ नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं। अपार जनसमर्थन, चुनाव के अखाड़े से सार्वजनिक मंचों तक महिला अस्मिता के खिलाफ विवादित टिप्पणियों की लंबी फेहरिस्त है। लोकसभा चुनाव के दौरान कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी हुई थी। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत पर छींटाकशी हुई थी, जिस पर खुद सुप्रिया श्रीनेत ने विरोध दर्ज कराया था। और एक बार फिर इसी तरह की बिगड़ी जुबान से महाराष्ट्र में घमासान बढ़ा हुआ है। टीम न्यूज नेशन। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी विलास ठावले ने श्राइना एनसी से खास बातचीत की है, सुनिए। मुंबा देवी की विधानसभा सीट बहुत चर्चा में आ गई है। अरविंद सावंत ने जो बयान दिया है उसके खिलाफ सारे भाजपा कार्यकर्ता, महायुति के कार्यकर्ता पुलिस थाने गए थे। खुद श्राइना एनसी पुलिस थाने गई थी और उनके खिलाफ FIR किया है। श्राइना जी, ये बताइए कि आपको ये जो बयान आया था अरविंद सावंत का, कैसे पता चला? देखिए, आज सुबह सोशल मीडिया पे मेरे PA ने दिखाया कि देखिए आपको मैडम माल बुना रहे हैं। मैंने बोला इनको मुँह तो जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम 20 साल सक्रिय राजनीति में काम कर रहे हैं, समाज सेवा में जुटे हैं, वहाँ कोई भी एक लालचन नहीं, एक दाग नहीं। और पहली बार मैंने FIR दर्ज किया क्योंकि मैं मानती हूँ एक तरफ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने महिलाओं को सक्षम किया, लाड़की बहन योजना हो, प्रधानमंत्री ने आप देखेंगे तो मुद्रा बैंकिंग हो, जन धन हो, उज्ज्वला हो, महिलाओं को प्रेरित किया है। तो कहीं ना कहीं ये विकृत मानसिकता जो महाविनाश अगाड़ी की है उसको एक्सपोज करना ज़रूरी था। पुलिस थाने में जाना जरूरी था, माफी मांगना ठीक था या पुलिस थाना FIR करना था? माफी मांगना तो दूर की बात, FIR दर्ज किया। और गर्व होता है कि हर एक महिला जो अपने आप को राजनीतिक रूप से काम करना चाहती है, मुद्दे पे विवाद करो, मुद्दे पे सवाल उठाओ, लेकिन आपके चाल चरित्र के ऊपर ऐसे इम्पोर्टेड माल, इसका मतलब क्या है? आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है आपकी मानसिकता दिखाई देती है। और FIR में भारतीय न्याय संहिता के निमित्त सेक्शन 79, सेक्शन 356(2) दोनों दर्ज हुए हैं, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, और जो डेफिमेटरी कमेंट्स है वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में अभी है। अरविंद सावंत का कहना है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं कहा और श्राइना एनसी के बारे में नहीं कहा। जो उन्होंने जानबूझ के नहीं कहा तो उनका बयान देख लीजिए, वहाँ अमीन पटेल खड़े हैं उनके बाजू में और हंस रहे हैं जब वो बोल रहे हैं ये तो इम्पोर्टेड माल है। मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं कोई आइटम नहीं हूँ, मैं यहाँ अपने परिश्रम के साथ मुंबा देवी के रहवासियों के लिए उनका नेतृत्व करना चाहती हूँ। 3 बार आपने एक नेता को चुना है, अब पहली बार एक नेत्री को चुनो और एक नेत्री को मौका दीजिए जो आपकी आवाज़ उजाएगी। आप देखें एक एक महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट है अमीन पटेल, उनसे ये लड़ाई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज नेशन मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।